नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे एक और नए वीडियो में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सहारा रिफंड रिसबमिशन पोर्टल के बारे में। दोस्तों अगर आप लोग भी सहारा में अपना रुपया इन्वेस्ट किए थे, अगर आप लोग अपना पहला क्लेम कर चुके हैं, अगर आपका पहला क्लेम रिजेक्ट कर दिया गया है किसी कारण, आपका डिफिशियंसी कम्युनिकेटेड इस तरह से आपका मैसेज आ गया है कि आपका यहाँ पर जो क्लेम है वो आपका रिजेक्ट कर दिया गया है, अगर आप उसी क्लेम को रिक्लेम करना चाहते हैं, रिसबमिशन करना चाहते हैं, अगर आपका यहाँ पर बैलेंस 1 लाख यहाँ पर 0 से 5 लाख तक का है तो आप अपना रिसबमिशन कर सकते हैं। तो किस प्रकार से रिसबमिशन करना है इस वीडियो में हम आपको लाइव स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस आपको दिखाने वाले हैं कि किस प्रकार से आपको अपना रिसबमिशन आपको ऑनलाइन करना है। तो दोस्तों आप इस वीडियो में बने रहे। दोस्तों मेरा नाम है दिलखुश, आप देख रहे हैं ऑनलाइन दिलखुश यूट्यूब चैनल। अगर आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बगल जो बेल आइकन है उसी पर ऑल प्रेस कर दे ताकि हमारा आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। चलिए दोस्तों इस कमाल वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। दोस्तों सहारा रिफंड रिसबमिशन में अपना रिसबमिशन करने के लिए आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले आपको लिखना है पर कोई भी एक ब्राउजर ओपन कर लीजिएगा और यहाँ पर लिखना है CRCS, ये आपको टाइप करके सर्च कर देना है। सर्च करने वाला आपको फर्स्ट में शो करेगा सेंटर, यहाँ पर आपको नोट पे क्लिक कर देना है और सेंट्रल रजिस्टर ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी वाले पे क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने वाला आपके सामने इस तरह से यहाँ पर न्यू देख सकते हैं, न्यू रिसबमिशन पोर्टल लाइव नाउ, यहाँ पर लाइव हो चुका है। आपको क्या करना है यहाँ पर इस पर क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने वाला आप यहाँ पर देख सकते हैं आपका रिसबमिशन करने का पोर्टल ओपन हो जाएगा। यहाँ पर देखिए इसको आपको कट कर देना है। अब आपको रिसबमिशन करने के लिए रिसबमिशन लॉन्ग वाले पे क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने वाला अपना क्लेम नंबर यहाँ पे फिलअप करेंगे। अगर आपको क्लेम नहीं मालूम है तो वो आपको कहाँ से यहाँ पर फाइंड करना है वो भी आपको बता देते हैं। तो फाइंड करने के लिए आपको सबसे पहले वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिलेगा, उस लिंक पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरह का एक वेबसाइट आ जाता है। यहाँ पर देख सकते हैं इस वेबसाइट आप यहाँ पर रिसबमिशन करने का पूरा स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस भी बताया गया। आप यहाँ पर नीचे आइएगा, यहाँ पर देख सकते हैं नीचे आपको यहाँ पर फाइंड CRN नंबर, आप यहाँ पर इस लिंक पे क्लिक हेयर पे क्लिक करके अपना CRN नंबर फाइंड कर सकते हैं। अगर आप रीअप्लाई करना चाहते हैं उसका लिंक यहाँ पे मिल जाएगा। अगर आप अपना चेक अप्लीकेशन स्टेटस करना चाहते हैं वो यहाँ से आप कर सकते हैं। ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना चाहते हैं तो यहाँ से आप क्लिक करके जा सकते हैं। तो हमको क्या करना है CRN नंबर अपना यहाँ पर फाइंड करके यहाँ पर डाल देना है, फिर एक कप्चा डाल के आपको वैलिडेट पर क्लिक कर देना है। तो इस तरह से यहाँ पर देख OTP सेंड सक्सेसफुली ऑन योर आधार रजिस्टर आधार लिंक मोबाइल नंबर, आपका यहाँ पर CRN नंबर जो भी रजिस्टर मोबाइल नंबर उस पर एक OTP गया होगा आधार लिंक मोबाइल पर, और वो उसको उस OTP को यहाँ पे फिलअप करके वेरीफाई OTP क्लिक कर देना है। उसके बाद आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आ जाता है। पर देख UID डिक्लेरेशन में आपको यहाँ टर्म एंड कंडीशन को एक्सेप्ट करना है, फिर आपको आई एग्री पे क्लिक करेंगे तो उसके बाद आपका पर्सनल डिटेल शो कर दिया जाएगा। फिर उसके बाद इस तरह से आपको यहाँ पर यू पर्सनल डिटेल में आपका आधार नंबर यहाँ पर शो कर दिया जाएगा। अब यहाँ पर आपको गेट OTP क्लिक करेंगे तो OTP सेंड ऑन योर मोबाइल नंबर, आपके मोबाइल पर और यहाँ पर जो भी मोबाइल नंबर आधार रजिस्टर है उस पर एक OTP गया होगा, उस OTP को यहाँ फिलअप करेंगे और यहाँ पर वेरीफाई OTP क्लिक करेंगे तो आपका OTP वेरीफाई हो जाएगा। फिर आपको यहाँ पर नेक्स्ट का बटन आ जाएगा, फिर आपका यहाँ पर नेक्स्ट बटन पर क्लिक करेंगे। नेक्स्ट बटन पर क्लिक करने के बाद आपका पर्सनल डिटेल में आपका फोन नाम, आपका फादर हस्बैंड नेम, डेट ऑफ बर्थ, एड्रेस, आपका आधार क्रेडिट बैंक पर आपका फोटो शो हो जाएगा। फिर आप यहाँ पर नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। नेक्स्ट स्टेप में आपका क्लेम डिटेल शो कर दिया जाएगा, यहाँ पर देख सकते हैं। अब आपको एक्शन बटन पे क्लिक करेंगे, हमको इस क्लेम को सुधार करना है। फिर आपका क्लेम डिटेल में आपका सोसाइटी नेम, मेंबरशिप नंबर, अकाउंट नंबर, ये सारा चीज़ शो हो जाता है। अब नीचे में यहाँ पर देखते हैं आधार नेम और सोसाइटी नेम डज नॉट हैव मोबाइल यहाँ पर मैच, तो हमको क्या करना है मैच नहीं कर रहा था, आपको इस पर टिकआउट कीजिएगा तो ये हट जाएगा लाल वाला कलर, और यहाँ पर पूरा डिटेल देख लीजिएगा। फिर आपको नीचे यहाँ पर देख सकते हैं अपलोड डिपॉजिट सर्टिफिकेट या पासबुक, यहाँ पर हम क्या करते हैं अपना जो बॉन्ड मेरा है फिक्स वाला हम कर रहे थे, हम फिक्स वाला बॉन्ड यहाँ पर अपलोड कर देते हैं। तो यहाँ पर देख हम बॉन्ड अपलोड कर दिए हैं। फिर आपको रिव्यू यहाँ पर देख सकते हैं, रिव्यू एंड रीसबमिट पे आपको क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करेंगे तो इस तरह से प्रोसेसिंग लेगा, यहाँ पर देख सकते हैं आपका क्लेम अपडेट सक्सेसफुली हो चुका है। मेरा जो एक क्लेम है ये मेरा सक्सेसफुली अपडेट हो चुका है। अब हम क्या करेंगे दूसरा क्लेम को हम यहाँ पर सुधार करेंगे, तो दूसरा क्लेम पर हम क्लिक करेंगे तो इस पर हम क्लिक कर दिए हैं, देख सकते हैं मेरा एक अपडेट हो चुका है। हम दूसरा हम यहाँ पर सुधार करने के लिए हम इस पर एक्शन पे क्लिक करेंगे और मेरा आप क्लेम डिटेल यहाँ पर पूरा शो हो कर दिया जाएगा। अब हम क्या करते हैं यहाँ पर देख सकते हैं, फिर से हम इस पर क्लिक करेंगे तो मेरा ये हट जाएगा, यहाँ पर देख सकते हैं हम इस पर क्लिक किया था हट चुका है। अब फिर से हम यहाँ पर एक बॉन्ड अपलोड कर देंगे, जो दूसरा बॉन्ड है उसको हम यहाँ पर अपलोड कर दिए, यहाँ पर देख सकते हैं। फिर आपको क्या करना है यहाँ पर रिव्यू एंड रिसबमिट पे क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने बाद मेरा यहाँ पर देखते कुछ इस तरह से प्रोसेसिंग लेगा, प्रोसेसिंग लेने बाद मेरा यहाँ पर ये भी अपडेट हो जाएगा। तो यहाँ पर देखते प्रोसेसिंग लेने पर क्लेम अपडेट सक्सेसफुली, मेरा दोनों क्लेम अपडेट हो चुका है। अब आपको ओके पे क्लिक कर देना है।
अब आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर अपलोड डॉक्यूमेंट्स पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर गोप्ट आईडी टाइप में आप अपना इतना सारा डॉक्यूमेंट्स दे सकते हैं, पासपोर्ट, पैन कार्ड, बैंक पासबुक, ड्राइविंग लाइसेंस, ईपिक नंबर, मनरेगा जॉब कार्ड, ये इतना सारा आप डॉक्यूमेंट्स में से कोई एक दे सकते हैं अपना नाम मिसमैच में। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, पर हम पैन कार्ड सेलेक्ट कर लेते हैं। आप कोई भी डॉक्यूमेंट सेलेक्ट कर सकते हैं, यहाँ पर हम पैन कार्ड सेलेक्ट करेंगे। फिर पैन कार्ड में जो नाम है वही नाम यहाँ पर फिलअप करेंगे। फिर उसके बाद आपको नीचे यहाँ पर आईडी नंबर में पैन नंबर डालना है। फिर वही पैन कार्ड को यहाँ पर अपलोड कर देना है। फिर आपको यहाँ पर एक डाउनलोड यहाँ पर हाफी डिपिट फॉर्म कर लेना है, इसको यहाँ पर डाउनलोड करके अपलोड कर देना है। चलिए यहाँ पर हम डाउनलोड कर लेते हैं। डाउनलोड हाफी डिपिट फॉर्म पे हम हिंदी इंग्लिश जो हम करना चाहते हैं वो आप यहाँ से डाउनलोड करेंगे। तो यहाँ पर डाउनलोड कर चुके हैं। अब इस तरह से यहाँ पर देखते हैं, इस फॉर्म को फिलअप करने पर फोटो चिपकाना है और यहाँ पर नाम लिखना है, और यहाँ पर उसके बाद यहाँ पर पिता पति का नाम यहाँ पर लिखना है। फिर अपना यहाँ पर जन्मतिथि जो है वहाँ डालना है, निवास डालना है। ये पूरा फॉर्म को आपको भर लेना है, यहाँ पर देख सकते हैं। और यहाँ पर आपको आसान है भरना, यहाँ पर देख सकते हैं आधार में मेरा नाम जो है वो यहाँ अंकित करेंगे। फिर उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं आपको सोसाइटी का नाम जो है वो यहाँ पर डालिएगा। फिर सदस्यता संख्या, फिर जो भी दूसरा सोसाइटी है उसका नाम यहाँ पर डालिएगा और सदस्यता संख्या यहाँ पर डालिएगा। ये पूरा फिलअप कर लीजिए। यहाँ पर देखिए पासपोर्ट जो नाम है वो भी अंकित करना है। इसी तरह से आपको यहाँ पर इसको पूरा फिलअप करके इसको आपको नोटरी करवा लेना है। तो नोटरी कैसे कीजिएगा वो भी हम आपको बताते हैं, यहाँ पर देख सकते हैं। आप यहाँ पर हस्ताक्षर भी करा लीजिएगा, इसमें आपको नोटरी लगेगा। तो यहाँ पर हम नोटरी करा चुके हैं, वो नोटरी दिखाते हैं। इस तरह से आपको नोटरी करा लीजिएगा कोर्ट जाकर, आपका 100 से 200 रुपया लगेगा नोटरी करवाने में। इस तरह से आपको नोटरी करवा लीजिएगा, यहाँ पर देख सकते हैं हम पूरा नोटरी करवा चुके हैं। इसी को हम यहाँ पर अपलोड करेंगे। तो चलिए यहाँ पर हम अपलोड कर देते हैं। यहाँ पर देखते हैं, इस तरह से आपको नोटरी करवा लीजिएगा। फिर आपको यहाँ पर पैन कार्ड, हम देखते हैं पैन नंबर में जो नाम है वो डाल दिए, पैन नंबर डाल दिए, और यहाँ पर देख सकते हैं अपलोड, यहाँ पर हम पैन नंबर डाल दिए। फिर आपको अपलोड टाइप में पैन कार्ड अपलोड कर दिए। फिर यहाँ पर हम हाफी डिपिट फॉर्म भी अपलोड कर दिए। फिर आपको नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। अगर आपका यहाँ पर अपलोड नहीं होता है तो आपको क्या करना है, आप यहाँ पर पीडीएफ में दोनों अपलोड कर दीजिएगा। अपलोड करने बाद यहाँ पर तब भी नेक्स्ट करते नहीं होता है तो आपको क्या करना है, इसको आपको अपलोड यहीं पे करना होगा। यहाँ पर देखते हैं फाइल अपलोड सक्सेसफुली, आपको क्या करना है यहाँ पर चूज फाइल पे क्लिक कर दीजिएगा और यहाँ पर जो डाउनलोड का बटन है उस पर क्लिक करेंगे। तो इस तरह से यहाँ पर देखते प्रोसेसिंग लेगा, प्रोसेसिंग लेने यहाँ पर देखिए फाइल अपलोड सक्सेसफुली, ओके पे क्लिक करेंगे। अब आपको नेक्स्ट पे क्लिक कीजिएगा। तो इस तरह से आपका दोनों क्लेम शो कर दिया जाएगा, यहाँ पर देख सकते हैं। अब आपको क्या करना है, यह दोनों क्लेम सही है तो आपको नीचे यस शो करेगा, यस पे क्लिक करेंगे। अब आपको यहाँ पर जनरेट रिसबमिशन क्लेम फॉर्म आपको एक डाउनलोड कर लेना है। यहाँ से हम डाउनलोड पे क्लिक करके डाउनलोड कर चुके हैं। इसमें आपका पूरा डिटेल शो किया जाता है। यहाँ पर एक फ़ोटो चिपकाएंगे, उसका सिग्नेचर लगाइएगा जिसका भी आप रिसबमिशन कर रहे हैं। फिर नीचे आइएगा, नीचे हमें पर उसका स्थान का गांव का नाम डालिएगा। फिर यहाँ पर हस्ताक्षर उसका एक लीजिएगा यहाँ पे। फिर इसको आपको क्या करना है, फिलअप करके आपको यहाँ पे चूज फाइल पे क्लिक करके अपलोड पे क्लिक कीजिएगा, फिर नेक्स्ट पे क्लिक कीजिएगा। चलिए यहाँ पर अपलोड कर देते हैं। अपलोड करने बाद आपको यहाँ पर देख अपलोड पर क्लिक करेंगे और ओके प्रोसीड पर क्लिक करेंगे। तो इस तरह से यहाँ पर देखते प्रोसेसिंग लेगा। यहाँ पर देखते हैं अप्लीकेशन रिसबमिटेड सक्सेसफुली, मेरा हो चुका है। यहाँ पर देखते हैं हम जो रिसबमिशन करें, मेरा सक्सेसफुली रिसबमिशन हो चुका है। हम ओके पे क्लिक कर देते हैं। तो आप ओके पे क्लिक करें, आपका यहाँ पर रिसबमिशन सीआरएन नंबर शो हो जाएगा, आपका मोबाइल नंबर शो हो जाएगा, आपका जो भी यहाँ दोबारा स्टेटस चेक करेंगे तो आपका यहाँ पर पेमेंट शो कर दिया जाएगा, आपको कितना पेमेंट दिया गया है। तो दोस्तों इस प्रकार से आप क्या कर सकते, अपना रिसबमिशन कर सकते। मेरा टोटल डिफरेंस 20,000 का था और 20,000 का हम रिसबमिशन कर चुके हैं। तो दोस्तों इस प्रकार से अपना रिसबमिशन कर सकते हैं सारा रिफंड के लिए। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए दोस्तों मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।